फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर इन जैसे लोगों को जल्द से जल्द जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए लानत भेजा है तमाम लोगों ने और अपने अपने गुस्से का इजहार किया याचिका को वो खारिज करेंगे मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स आपको बता दें वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है इस समय मौजूद है हम मुमरा के वेमन कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर वसीम रिजवी का पुतला जो है यहाँ पर जलाया जा रहा है आप देख सकते हैं शिया समुदाय जो है ये पुतला यहाँ पर जो है जला रही है कल से ही मुमरा शहर में वसीम रिजवी के खिलाफ जो है लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पर आज शिया समुदाय के लोग जो है यहाँ पर वसीम रिजवी का जो है पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है शिया समुदाय कहें या फिर चाहे सुन्नी समुदाय या हर मुस्लिम कौम जो है वसीम रिजवी से किस तरह से खफा है और मुमरा शहर में जिस तरह से आज वसीम रिजवी का जो है यहाँ पर पुतला जलाया गया है यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो पुतला जलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं क्या कहेंगे आप जिस तरह से वसीम रिजवी का आज यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है देखिए वसीम रिजवी ये इनकी पहली हरकत नहीं इससे कई बार उन्होंने हरकत की है जैसे आज से 6 साल पहले उन्होंने मदरसों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी कि सभी मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती इसी तरीके से उन्होंने फिर एक नई हरकत की कि कुरान के से 26 आयतों पर उन्होंने याचिका दायर की कुरान तो हम लोगों की शिया जो जमात है उनको पहले ही खारिज कर दिया गया और ये जो कुरान के खिलाफ जो 26 आयतों के खिलाफ इन्हें याचिका दायर की खाली शियत का मसला नहीं है अहले सुन्नत जमात के भाइयों का भी मसला है सभी मुसलमानों का मसला है सभी फिरकों को उतर के इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है शिया समुदाय में गुस्सा है ये जो है वसीम रिजवी का यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और भी यहाँ पर शिया समुदाय के जो है तमाम धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद है हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज यहाँ पर वसीम रिजवी का पुतला आप लोग जलाए दोपहर में भी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद हमारे लोगों में गुस्सा बहुत था तो गुस्से का इजहार करना था इस सूरत में यहाँ पर बहमन कॉम्प्लेक्स में तमाम उलेमा की मौजूदगी में गमो गुस्से का इजहार किया गया कि हम लोगों को ये गुस्सा था कि शियों के नाम पे बदनामी फैलाने की कोशिश जारी है और इत्तेहाद जो पूरे हिंदुस्तान में और तमाम लोगों में कायम है उस इत्तेहाद को चोट पहुँचाने की कोशिश की गई है तो ऐसे माहौल को में हम लोगों ने वसीम लानती पर लानत भेजा है तमाम लोगों ने और अपने अपने गुस्से का इजहार किया तमाम उलेमाओं की मौजूदगी में हमारे नौजवानों ने अपने गुस्से का इजहार किया और हम लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस इस पर कार्रवाई करते हुए हमने जो मेमोरेंडम पुलिस स्टेशन में दिया है उस पर कार्रवाई करते हुए वसीम लानती पर जल्द से जल्द गुनाह दाखिल किया जाए ये मुसलसल तो इस पर हम बोल रहे हैं बस हमारा यही मुतालबा है कि हम जो जायज़ा ले रहे हैं और हमारे मुल्क को भी चाहिए कि वो अपनी मोहतरम आईबी के ज़रिए गली गली कूचे कूचे से ख़बर ले ले कि नौजवानों के गम गुस्से बढ़ते जा रहे हैं इससे पहले उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए कि मुल्क में कौन सा कानून ऐसा बनता है कि जो इन जैसे लोगों को जल्द से जल्द जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए देखिए गमे गुस्से का इजहार है पुतले जलना शुरू एक बात और पूछना चाहेंगे जिन 26 आयतों का जिक्र रिजवी ने किया है क्या वाकई में उन आयतों का मकसद वही है जो रिजवी बता नहीं कतई नहीं है अगर वो होता तो मैंने आपसे अभी कहा था कि हमारे उलमा के जवाबात हैं उसकी लिंक पर सब आ चुका है आयतों को समझने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि इसकी मीनिंग को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता या वो जानते हैं जो रासिखून फिल इल्म है उसी कुरान में यह बात मौजूद है तो वसीम रिजवी को रासिखून फिल इल्म ढूंढना चाहिए ना जिनको अल्लाह ने मीनिंग का हक दिया है ये याचिका दायर करके इसका मसला हल होने की बात ही नहीं और अव्वल तो कुरान में ऐसी कोई कभी ज़ाती ईमान के साथ है
ये कोई किसी एक संस्था का संविधान नहीं है कि वसीम रिजवी साहब सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंच जाएं, ये इलाही कानून है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कोर्ट से किस तरह का फैसला आ सकता है या कोर्ट जो है याचिका खारिज कर सकती है, क्या लग रहा है? हमें यही लगता है कि हमारी मोहतरम अदालत, जिस पर हमेशा हमें भरोसा रहा है, वो अदालत भी जानती है, वहाँ पढ़े लिखे लोग मोहतरम जज बन के जाते हैं, हर चीज़ पे उनकी निगाह है, इसी याचिका को वो खारिज करेंगे और यहाँ के बाद ये खुद जलील होकर के रह जाएगा, हमें यही उम्मीद है। तो आपने सुना किस तरह से जो है मुमरा शहर में तमाम शिया समुदाय के लोग जो है वो आज सुबह से ही वसीम रिजवी का, या जब से कहेंगे जब से वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, तभी से हिंदुस्तान का और भी विदेशों के मुस्लिम भी जो है वो इससे खफा नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वसीम रिजवी है उसका पुतला आज यहाँ मुमरा शहर में जो प्राइम हॉस्पिटल है उसके जस्ट पीछे ही यहाँ पर जलाया गया है और यहाँ पर अपने गुस्से का इजहार शिया समुदाय ने किया है। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।